एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सुबह के 4:15 हो रहे हैं, मैं उठ चुकी हूँ और मैं अब जा रही हूँ किचन में, इसलिए जल्दी अभी उठती हूँ। रात को मैंने कुछ नहीं किया था, झाड़ू पोछा और सब्जी चॉपिंग, मैंने बस बर्तन धोए थे, जल्दी सो गई थी। और यहाँ मैं किचन में आई हूँ अपनी डिटॉक्स टी बनाने, तेज पत्ता टी। और उसके बाद मैं पीने के बाद कुछ योगा करूँगी। तो मैं बहुत सिंपल योगा से स्टार्ट कर रही हूँ, मैं बस कपाल भाती हूँ, क्योंकि मैं अब सबको धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी मैंने योगा स्टार्ट किया है और अब मैं किचन में आ गई हूँ। किचन में मैं अपनी बेटी का नाश्ता बना रही थी, लंच और नाश्ता। तो आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी मिक्स वेज, क्योंकि कॉर्न भी रखे थे बहुत दिनों से और मुझे अलाउ नहीं है खाना, तो वो मैं कर रही हूँ। तो मैंने प्याज टमाटर डाला है, फिर थोड़ा बहुत मसाले जो डालने हैं, हल्दी लाल मिर्च वगैरह, फिर मैंने गोभी में कॉर्न मिला दिया, थोड़ा सा कैरेट मिला दिया और गैस बंद कर दिया। अब मैं बना रही हूँ डिटॉक्स वाटर, नींबू मैंने काट के डाले हैं इस बॉटल में। इसके बाद मैं इसमें पुदीना, थोड़ा सा नींबू स्क्वीज करके पानी निकाल के डालूंगी नींबू का भी, और थोड़ा सा अदरक, और ये हमारा डिटॉक्स वाटर रेडी हो जाएगा। ये मुझे पूरे दिन पीना है, तो मिंट लीफ मैं इसी चीज़ के लिए लाई थी, तो मैं पूरे दिन पीने वाली हूँ इसे। और अब मैं जा रही हूँ किचन में अपना अदरक वर्क कर। मैं आटा किसी भी बर्तन में गूंद लेती हूँ, क्योंकि काव्या उसके डैडी का बनाना है और रोज़ मेरी रोटियाँ और आटा दोनों बच जाता है, तो मैंने सोचा आज वेस्ट नहीं हूँ। आज मैंने बहुत नाप के बनाया ऐसे लंच लंच के लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट मेरा कुछ अलग ही बनेगा। और अब मैं ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। अब मैंने 2 स्पून बेसन निकाला है और अब इसके मैं बेसन चीला बनाऊँगी लौकी डाल के। और अपने हस्बैंड के लिए 2 चम्मच मैंने ओट्स डाला है, क्योंकि वो ओट्स ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो मैं अपने लिए लौकी डाल के बेसन चीला बनाऊंगी और उनके लिए ओट्स। बेसन चीला में मैंने ये जीरा पाउडर डाला है, ज़्यादा मसाले नहीं, और धनिया पाउडर और नमक और हल्दी और अजवाइन थोड़ी सी, बस ये डालूंगी। उसके बाद लौकी और बेसन लौकी चीला आपको वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। अगर आपको PCOD है तो आपको बहुत देर तक फुल रखता है। मसाले डालने के बाद हम इस पे पानी डाल के मिक्स कर देंगे, और अगर आपको प्याज टमाटर भी डालना है तो वो भी डाल सकते हो। तो आई एम नॉट वेरी मच एक्सपर्ट इन मेकिंग चीलास, मेरा हमेशा चिपक जाता है, चाहे मैं नॉन स्टिक में बनाऊँ, आई डोंट नो व्हाई, मैं शायद बहुत कम तेल डालती हूँ। तो मैं बड़ा अब धीरे धीरे बनाऊँगी तो प्रैक्टिस हो जाएगी। आप नॉर्मल बेसन चीला भी खा सकते हैं अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। और आज देखा तो लौकी सड़ गई थी, तो मैंने अब इसमें प्याज टमाटर डाल दिया है। और पता नहीं आजकल लौकी कैसी आती है, मार्केट से तो सही लाते हैं बट अंदर से वो पूरी ब्लैक होती है, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, नॉर्मल जो बेसन चीला है वो बना लेते हैं। जितने भी लोग डाइट फॉलो करते हैं उन लोगों के लिए बेसन चीला ईजी टू मेक और इंस्टेंट बनने वाला अच्छा डाइट है, तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा ब्रेकफास्ट में। और जब तक मैं तैयारी कर रही, मेरी सब्जी बन के रेडी हो गई, मैंने दूसरे बर्तन में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि इसे लंच ही पैक करना है और ये भी थोड़ी ज़्यादा सब्जी बन गई है, क्योंकि खाते ही नहीं है। और काव्या जो स्कूल में आजकल जाती है तो खाना नहीं खा करती, तो वही फिनिश करती है घर आके, और मैं थोड़ा से फ्रूट्स दे रही हूँ खाने के लिए। अब मैं बना रही हूँ ओट्स, मैंने थोड़ा सा घी डाल के थोड़ा रोस्ट किया है। वैसे तो मैं सिंपल बनाती हूँ, आज मैंने सोचा रोस्ट करके बनाते, बट सच बताऊँ मेरे हस्बैंड को वो प्लेन वाला ज़्यादा पसंद आता है, ये उन्होंने ज़्यादा खाया ही नहीं, 2 चम्मच ही काफ़ी फुल हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह किसी से खाना नहीं खाया जाता, बादाम भी होते हैं साथ में और बनाना भी होता है। तो मैंने ये अब दूध डाल दिया है और इसके बाद ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा तो आप इसे ढक देंगे, तो ये इसमें ही काफ़ी अच्छा बन जाता है। तो मैं चीनी डाल रही हूँ, ये ईजी टू कुक अच्छा ब्रेकफास्ट है। बच्चे सुबह सुबह जो खाना नहीं खा पाते ना, तो उनको ये ज़रूर आप खिलाइएगा। इसके बाद मैं बादाम छील दूँगी, क्योंकि अभी 6 बज गए हैं तो ये उठने वाले हैं, रेडी होंगे, तो ब्रेकफास्ट तो रेडी होना चाहिए। तो मैं अब रोटी सबसे लास्ट से बनाती हूँ, पहले सबके ब्रेकफास्ट बना देती हूँ, सो दैट कि ये लोग नहा धो के पहले ब्रेकफास्ट करें, और जब तक ब्रेकफास्ट करते हैं तब तक मैं रोटी हम बना देती हूँ। ओट्स में मैंने आज क्या करा है, थोड़ा सा ना मैंने केसर भी डाल दिया, 2 जो होते हैं ना 2 बाल इसके वो डाल दिए, तो थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था, तो मैं सोच रही थोड़ा दूध और डाल के बना देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सिर्फ बनाना खाते हैं सुबह सुबह, और ओट्स होता है दलिया होता है सिर्फ यही खाना पसंद करते हैं, या फिर पराठे। पराठे मैं आजकल अवॉइड कर रही हूँ, बिकॉज इसलिए नहीं कि मुझे वेट लॉस करना है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि ये कितना हार्मफुल होता है, तो मैंने अब सोचा है
15 दिन में एक बार पराठे बनाओ, तो मेरा ओट्स बन गया ये। और उधर मैंने बर्तन भी धो दिए, तो मैं बर्तन जल्दी जल्दी धो के पोंछ के ड्रॉर्स में रख देती हूँ सेम टाइम में। मुझे स्लैब ना एकदम खाली चाहिए होता है। झाड़ू पोछा तो मैंने लगा लिया था, बट किचन में ना जब हम सफाई करते हैं तो गंदगी हो ही जाती, तो मैं किचन साफ करती थी, क्योंकि मैं खाना बनाते बनाते किचन पूरा एकदम क्लीन कर देती हूँ। अब ये मेरे सारे बर्तन धो के पोंछ के मैंने रख दिए, और ओट्स को मैं रख दूँगी बॉयल में, मतलब तो जब ये उठे तो उनको रेडी मिले। तो अब ये उठे नहीं है अभी तक ये दोनों, तब मैं इसके बाद इन्हें उठाऊँगी और कावे को रेडी करूँगी। और अब मैं अनार भी काट रही हूँ। कावे का मैं स्कूल में फ्रूट्स नहीं देती हूँ, रीज़न क्या है, वो लंच भी करके नहीं आती है, और इसलिए मैंने सोचा कि इसे घर आती है तो जो स्कूल का लंच है वो ख़त्म करती है, फिर उसके बाद फ्रूट्स खाती है, तो घर पे ही मैं प्रेफर करती हूँ। और अभी काव्य का स्कूल 2 घंटे का है, तो 11 बजे तक घर आ जाती है, सून उसका 6 आवर वाला होने वाला है, तब मैं ऐसा नहीं करूँगी, स्कूल में ही फ्रूट भेजूँगी। और अब मैं डाइट फॉलो करती हूँ, तो सभी को हेल्दी देना मुझे अच्छा लगता है। और मेरे फ्रूट्स पैक हो गए, किचन भी साफ़ हो गया है, और मैं अब जा रही हूँ कारपेट साफ़ करने। कारपेट पर डस्ट थी, तो मैंने सोचा दोबारा से डस्टिंग करके हॉल क्लीन कर देते, क्योंकि तो कारपेट हटाने से ना काफ़ी डस्ट हो गई थी, तो मैं उसे ही साफ़ कर रही थी। सफाई तो मैं सुबह उठने के बाद पहले सफाई करती हूँ, फिर किचन में आती हूँ। कावे का दूध मैंने बना दिया है, मैंने नारियल भी फोड़ा था आज, पता है क्योंकि मेरे हस्बैंड की आदत है मंदिर जाते हैं नारियल जो भी चढ़ाते हैं घर पे आके वो फूटता ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा हमेशा वो गोला बन जाता है तो हम सरा देते हैं बाद में, तो मैंने सोचा कि अब इसको मैं ही फोड़ देती हूँ, लंच में सबको दे देती हूँ। तो मैंने सब, कावे तो नहीं खा पाती है तो उसके डैडी को दे दिया, और थोड़ा सा मैं खाऊंगी। तो मेरी रोटी गोल सच में नहीं बनती, आप देख रहे हो ना कितनी टेढ़ी मेढ़ी बनती है, शुरू से है मेरी रोटी, मतलब अगर आटा थोड़ा भी ख़राब बन गया गुद गया मेरे से, तो वो रोटी गोल होनी ही नहीं है, फूट तो जाती है। और रोटी तो सिकी हुई ही अच्छी लगती है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी हो, तो मेरे हस्बैंड खा लेते हैं। हस्बैंड और बेटी का दोनों का ब्रेकफास्ट और लंच रेडी हो गया। अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए चीला, तो बेसन चीला बनाऊँगी। मुझे मतलब मेरा जो चीला है वो मैंने बोला ना चिपक जाता है, तो मैंने तेल डाल के पहले फैला दिया, ये तेल भी ज़्यादा है, बट क्योंकि मेरा चिपक जाता है तो मैं बहुत आराम से बनाऊंगी। टी का लंच और नाश्ता सब कुछ बन गया है, और मैं पैक कर रही हूँ सारे लंच वगैरह। इसके बाद नहला तो चुकी हूँ कावे को, बट उसकी चोटी रह गई है और ब्रेकफास्ट वो कर नहीं रही है, तो उसके बाद मैं उसको ब्रेकफास्ट करा दूँगी। और ब्रेकफास्ट करते करते चोटी, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी करती हूँ। और चटनी वगैरह भी हम मैं लंच में देती हूँ हस्बैंड को, तो मैंने देखा बोला था ना उन्हें ब्रेकफास्ट नहीं किया, वो करती ही नहीं है, तो पहले मैं उसे ब्रेकफास्ट अपने हाथ से कराऊँगी, क्योंकि ये स्कूल में भी नहीं खाती है, तो मैं ब्रेकफास्ट एकदम अच्छे से करके रखती हूँ और लंच स्किप नहीं करती, सो दैट कि अगर स्कूल में नहीं खा रही है तो घर का जो हम खाना खिला के भेजेंगे तो उसको कोई वीकनेस नहीं लगेगी। मैं उसको बोल रही थी पूजा करी कि नहीं करी, तो वो करी हाँ मैंने कर ली, मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है। और कावे को जो दूध है ना मैं अपने सामने पिलाती हूँ, क्योंकि वो डैडी के सामने ना दूध पीती नहीं है, नाटक करती है, तो दूध पीने के बाद अब उसका हो गया, मैं उसके बाद चोटी करूँगी। वैसे तो मैं तेल लगाती नहीं हूँ, बट क्या होता है उसके बाल थोड़े उड़े उड़े होते हैं, बहुत थोड़ा सा तेल लेके पहले मैं बालों को बिठाती हूँ फिर मैं चोटी करती हूँ, वरना ना अजीब से लगते हैं बच्चे अगर बालों में ऑयल ना हो तो। तो अभी वो पूरा पी नहीं रही है, मैंने कहा पूरा फिनिश करो, तो अब मैं उसकी चोटी कर रही थी, 2 चोटी, वो कह रही डिज़ाइनर बनाओ, मैं कहा नहीं बेटा स्कूल में डिज़ाइनर चोटी नहीं होती है। तो उसके बाद काव्य हो जाएगी रेडी, और उसके डैडी अभी रेडी हो रहे हैं, उन्होंने ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया है। इसके बाद काव्य स्कूल चली गई थी और स्कूल से आ भी गई थी, और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया था और ऑफिस का भी काम मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मैंने सोचा वीडियो मैंने बनाई नहीं थी, और अब मैं आपको लंच के टाइम पर मिलती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, लंच ब्रेक हो गया है, 1:30 बजे मैं लंच करने जा रही हूँ थोड़ा, और मैं ना मतलब बहुत दिनों से उबली हुई लौकी खा रही हूँ, 1 मिनट मैं टंकी बंद कर दूँ, मैं दोबारा आती हूँ। तो ब्रश इसको करने के लिए देना था, और इसको खाना वाना फ्रूट्स व्रूट्स दे दिया, स्कूल से आ गई थी, और थोड़ा अब इसको 1:30 बजे थोड़ा टीवी देखना भी जरूरी था, थोड़ा टीवी देखी क्योंकि सोई के लिए बोला टीवी, इसको मैंने फ्रूट्स यही बोल के खिलाया, फ्रूट्स खाओगे तो टीवी चलेगा। और मैंने आज मेरे रोटी बनाई है, रोटी की कंडीशन अच्छी नहीं है, बट अब रोटी बनाने का खाने का मन नहीं कर रहा है,
क्योंकि पेट भर गया। वो डिटॉक्स वाटर पीने से पेट इतना फुल सा लग रहा है उससे। जब इसको मैं अपनी डॉटर को खाना खिलाई थी, मन करता खाना खा लूँ। अब रोटी बहुत बड़ी भी बन गई, आटा थोड़ा सा गूंदा था तो पानी ज़्यादा डल गया, फिर मेरे को मुझे आटा मिलाना पड़ा तो बड़ी सी रोटी बन गई। ये खा रही थी तो मैंने आज चटनी बनाई थी, तो मैंने कहा रोटी खाने का मन है तो रोटी कितनी बड़ी हो गई और मोटी भी है, यानी आधी बच जाएगी। तो इसमें मैंने मिलाया बेसन, रागी, जौ, ज्वार। तो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया और अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि मेरा लंच सब्जी बनाने में मेरा टाइम बहुत ओवर हो गया था, तो उसको टीवी देखने का मन था। तो बहुत देर से बोल रही है मैं टीवी ऑन नहीं करती हूँ, बट इससे मेरी टर्म एंड कंडीशन मानी। चलो मम्मी मैं फ्रूट्स खा लेती हूँ, खाना खा लेती हूँ, दूध भी पी दिया। अब तो टीवी चला दो, अब तो बनता है यार, उसको प्रॉमिस किया था। तो मैं टीवी चलाती हूँ और शाम का नहीं शूट करूँगी, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। तो आज मैंने एडिटिंग भी नहीं करी, पता है आज काफ़ी स्कूल गई तो मैंने रेस्ट किया। बाय बाय, मिलते नेक्स्ट वीडियो में।